नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फैब्रेक्स 650 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फैब्रेक्स 650 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और फैब्रेक्स टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि फैब्रेक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फैब्रेक्स एक ब्रांड नेम है। फैब्रेक्स टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन पैरासिटामोल 650 mg होता है। फैब्रेक्स टैबलेट का उपयोग दर्द और बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। फैब्रेक्स टैबलेट का उपयोग बुखार होने पर, शरीर की मांसपेशियों में दर्द होने पर, सिर दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आदि कंडीशंस में फैब्रेक्स टैबलेट का उपयोग किया जाता है। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी दर्द से राहत पाने के लिए फैब्रेक्स टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सर्दी जुकाम के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी फैब्रेक्स टैबलेट का उपयोग किया जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में फैब्रेक्स टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। फैब्रेक्स टैबलेट दर्द और बुखार की एक सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में फैब्रेक्स टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादा डोज में फैब्रेक्स टैबलेट को लेने की वजह से लिवर डैमेज हो सकता है। इसलिए आपको फैब्रेक्स टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। यदि आपको फैब्रेक्स टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुंह, गले, होठों या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस या फैब्रेक्स टैबलेट को लेने के बाद एकदम से बुखार होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फैब्रेक्स टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। फैब्रेक्स टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। तौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर फैब्रेक्स 650 mg टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल दर्द या बुखार होने पर ही फैब्रेक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। फैब्रेक्स टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको फैब्रेक्स टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि फैब्रेक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किडनी या लिवर की कोई बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में फैब्रेक्स टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। डॉक्टर की सलाह के बिना लगातार 3 दिन से अधिक फैब्रेक्स टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना फैब्रेक्स टैबलेट को लगातार 3 दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। फैब्रेक्स टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैब्रेक्स टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वजह से लिवर डैमेज होने का जोखिम अधिक हो जाता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फैब्रेक्स 650 mg टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। फैब्रेक्स टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी फैब्रेक्स टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कम समय के लिए और कम डोज में फैब्रेक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका फैब्रेक्स टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।